हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू उठता पैसा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है डिफरेंट वेज टू बाय म्यूचुअल फंड। दोस्तों, आज की डेट में म्यूचुअल फंड की मार्केट जो कि इतनी एग्रेसिव है, इतना पैसा उसके अंदर लग रहा है, तो उसको बाय करने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं या किस किस तरीके से हम म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, आइए आज हम उनके बारे में बात करते हैं। तो म्यूचुअल फंड बाय करने के हमारे पास मेजरली दो तरीके होते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। जब हम ऑफलाइन की बात करते हैं तो वही हमारा पुराना तरीका है, फिजिकल फॉर्म भरे। फिजिकल फॉर्म आप डायरेक्ट भी भर सकते हैं, आप रेगुलर भी भर सकते हैं। अगर आप किसी ARN होल्डर के थ्रू भर रहे हैं तो आप रेगुलर में भर रहे हैं, और अगर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में सबमिट करा रहे हैं तो वो डायरेक्ट। ऑफलाइन के ये दो तरीके हैं, सिर्फ फॉर्म भर के। ऑनलाइन, क्योंकि अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन प्लेयर्स आ रहे हैं जो म्यूचुअल फंड को ऑनलाइन सेल और परचेज करवा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा प्लेयर आज की डेट में है बैंक्स, NBFCs, स्टॉक ब्रोकर्स। ये तीन जो है ये आज की डेट में मार्केट का सबसे बड़ा शेयर ऑनलाइन के थ्रू सेल कर रहे हैं। इसी के अंदर चौथे आ जाते हैं हमारे ARN होल्डर्स। ARN होल्डर्स वो होते हैं जो इंडिविजुअल अपने नाम पे ARN ले लेते हैं, या पार्टनरशिप फॉर्म बना के या प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म बना के अपना ARN होल्डर लेते हैं और अपने कस्टमर्स को म्यूचुअल फंड बेचते हैं। ये बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ प्लेयर हैं NSE, CAMS। NSE जो है वो आपको MFS2 प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड परचेज सेल कर सकते हैं। वैसे ही BSE स्टार प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू हम म्यूचुअल फंड परचेज सेल कर सकते हैं। ऐसे ही CAMS और कार्बी हैं। तो दोस्तों, अब हमारे पास इनमें कुछ प्लेटफॉर्म आते हैं, NSE जो कि MFS2 है, BSE जो कि BSE स्टार है, CAMS है, कार्बी है। ये सारे प्लेटफॉर्म जो है ये भी हमें म्यूचुअल फंड खरीदने और बेचने में हेल्प करते हैं। बट इनका कंस्ट्रेंट क्या है, इनके फायदे क्या है, आइए अब आगे जानते हैं। और म्यूचुअल फंड जब हम परचेज करें तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, आपको हेल्प ही होगी अपने सारे फंड्स को एक जगह देखने में। सबसे पहले आते हैं, पहला पॉइंट जो हमारा सबसे पहले देखने वाला है वो है रिकमेंडेशन फ्रॉम ARN। दोस्तों, आज की डेट में बैंक्स, NBFC, स्टॉक ब्रोकर, ये तीन जो है ARN होल्डर, ये हमें सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो प्लानिंग की रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करवाते हैं। अलग अलग फंड्स, अलग अलग टेन्योर के, कभी कोई फंड, कभी मिड कैप, कभी लार्ज कैप, ऐसे ऐसे फंड्स टाइम टू टाइम हमें बताए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक जो सेटबैक है वो ये है कि ये ऑल थ्री आर बेसिकली बेस्ड ऑन इनकम। सिंस ये इतने बड़े हो चुके हैं अपने आप में, इनको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी हो गया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनके फंड्स जो है वो इनकम ड्रिवन होते हैं। जिस भी फंड में सबसे ज्यादा इनकम होगी, बैंक या NBFC या स्टॉक ब्रोकर उसको सबसे ज्यादा रिकमेंड करेगा। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे अगले प्लेयर हैं ARN होल्डर। मार्केट में बहुत सारे ARN होल्डर ऐसे हैं जो कि अपना कोड लेके प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में अपना ARN होल्ड कोड लिया हुआ है और उसके थ्रू म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं। लेकिन जब हम प्राइवेट ARN होल्डर के पास जाते हैं तो हमारे पास जो कंसर्न आते हैं वो आते हैं कस्टमाइज सर्विस। दोस्तों, हम इनसे कस्टमाइज सर्विस तो ले लेते हैं, लेकिन नॉलेज कंसर्न एक बहुत बड़ा एरिया रहता है। उस ARN होल्डर के पास उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पास म्यूचुअल फंड की कितनी नॉलेज है, या उसका बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन क्या है, हमें नहीं पता होता। कई बार वो जस्ट ऑनलाइन चेक करके ही हमें फंड रिकमेंड कर देते हैं, कई बार उनकी रिसर्च स्टडी नहीं होती है, तो ARN होल्डर में ये कंसर्न हमेशा रहेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये CAMS, कार्वी, NSE, BSE, ये कुछ प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू हम ये म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं। बट ये प्लेटफॉर्म सिर्फ हमें परचेज में फैसिलिटेट करने के लिए है, ये हमें किसी भी तरह की कोई सजेशन, किसी भी तरह का एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, अगर किसी फंड पे एग्जिट लोड है या हमारी रिक्वायरमेंट क्या है फंड के लिए, हमें कब तक पैसा चाहिए, उसमें से किसी भी चीज को कैटर नहीं करते हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें हैं, ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम किसके पास जा रहे हैं। बैंक्स, NBFC, स्टॉक ब्रोकर, ये जब भी पोर्टफोलियो प्लानिंग करेंगे ये आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट साथ में जरूर देना चाहेंगे, बट
आपको सोचना है कि आपको ये इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड चाहिए कि नहीं चाहिए। प्रोबेबली वो जिस म्यूचुअल फंड की रिटर्न आपको बहुत सारी दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बट वो आपके पोर्टफोलियो में आपको नहीं चाहिए। इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए और यही मोड्स हैं जिनके थ्रू हम ये प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इन सब में धीरे धीरे एडवांसमेंट आ रही है, टेक्नोलॉजी एंटर हो रही है, ये सब चीजें अब आपके फोन्स पे भी अवेलेबल है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड परचेज करना बहुत ही टफ टास्क रह गया है, आज की डेट में आप अपने फोन से भी म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।